राजौरी और पुंछ में सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलों में सेना के जवान 4 दिनों से आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आतंकी हमले में 4 जवानों की शहादत के बाद फौज एक्शन में नजर आ रही है। तो कल थल सेना प्रमुख जम्मू का दौरा भी करने जा रहे हैं। ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि बीते 1 महीने से लगातार जम्मू को आतंकवादी टारगेट करने पर लगे हुए कोशिश कर रहे हैं। कल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नॉर्दर्न कमांड मुख्यालय में आर्मी कमांडर्स और कोर कमांडर के साथ चर्चा भी करेंगे। पाकिस्तान ने नई रणनीति के तहत जम्मू की सीमा पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की हर चाल को हमारी बहादुर सेना नाकाम कर रही है। आतंकवादियों ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक ली है। पिछले 1 हफ्ते से आतंकवादियों ने कश्मीर को अशांति की आग में झोंकने के लिए बेगुनाहों को मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 5 दिन के अंदर ही कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। 12 बारामूला में एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की नमाज पढ़ते वक्त हत्या कर दी गई। अखनूर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश हुई है, जिसका करारा जवाब सेना ने दिया है। पुंछ में आतंकी हमला हुआ है और राजौरी के जंगलों में भी आतंकियों के छुपे होने की खबरें आ रही हैं, जहां लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बारामूला की, जहाँ आतंकियों ने मस्जिद में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की हत्या मस्जिद में उस वक्त की गई जब वो नमाज के लिए अजान पढ़ रहे थे। किस स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये हत्या कर दी गई है, ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहाँ पे बिल्कुल पैर रखे गए हैं, यहाँ जूतों के निशान हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यानी इस खिड़की से गोली मार दी गई है। ये जो खिड़की का कांच है ये टूट गया है। मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद के अंदर जाकर पूरा डिटेल पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है और यहाँ पर ही ये हत्या कर दी गई है और यहाँ पे वो अजान दे रहे थे। तो अजान कहाँ पे स्पॉट है, यहाँ पे देते हैं अजान, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो अजान दे रहे थे और उसी वक्त जो है ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। नॉर्मली जब इस मस्जिद में आते हैं तो यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन किया जाता है इस स्विच से, और फिर जब ये माइक्रोफोन ऑन होता है तो यहाँ रह के, यानी कि यहाँ खड़ा रह के अजान दी जाती है। तो आप अंदाज़ा ये लगाइए, वो यहाँ पे खड़े थे और बाहर से जो आए हैं बंदूकबरदार और उन्होंने गोलियां लगाई हैं यहाँ से। ये जगह बारामूला के गैंट मुल्ला शीरी में है। जिस वक्त ये हत्या हुई, रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी के भाई मस्जिद के अंदर ही मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों के सामने आतंकवादियों के इस क्रूर वारदात को देखा। अजान सुन रहा था, उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक खराब थी, मैं समझा शायद, क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा माइक खराब हो गई या उसका कुछ फट गया, उसी की आवाज आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया, लगता है ये प्लानड है, क्योंकि इसको पता था, क्योंकि इमाम साहब सैटरडे के रोज घर जाते हैं। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी ने अपने करियर में कई आतंकवाद विरोधी अभियानों में हिस्सा लिया था और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय से मोहम्मद शफी आतंकियों के टारगेट पर मौजूद थे। उनके भाई की आंखों में आज आंसू है और इस बात का अफसोस है कि मोहम्मद शफी को बचाया नहीं जा सका। ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी, तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई, इसके आगे इस अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, मेरे जहन में ये सोच आ गई कि
मुझे लगता है शेफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज आ गई। तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है, मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मैंने मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल बीर, तो मैंने उसको बुलाया, उन्होंने कहा वो शेफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई इनको गोलियां लगी है। मोहम्मद शफी रिटायर्ड होकर एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे और इस बात का शायद उन्हें कभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उन पर हमला एक मस्जिद में किया जाएगा। मोहम्मद शफी हमले में घायल हुए थे और इसके बाद उनके इलाज की कोशिश हुई लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। आप देख सकते हैं पुलिस की टुकड़ियां यहां पे लगी हुई हैं, पुलिस यहां पे चप्पे चप्पे पे तैनात है और यहां पे हालांकि काफ़ी सर्च भी की गई इस पूरे एरिया की और साथ ही लोगों की क्वेश्चनिंग की जा रही है और पोस्टमार्टम किया गया, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि मिलिटेंटों ने यह हमला किया है और उसके बाद यहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो पूरा एरिया है ये आप देख सकते हैं, ये वो जो मैं अंदर का हाल दिखा रहा था, अब बाहर का फिर से दिखाऊंगा। जो मैं अंदर दिखा रहा था कि सीढ़ी पे अजान दे रहे थे और ये बाहर, उसका मतलब बिल्कुल पैर यहां पे रखे गए हैं, बंदूक जो बंदूक बरदार थे मिलिटेंट जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि मिलिटेंट थे, तो वो यहां पे चढ़े हैं, यहां से यहां चढ़े हैं और उसके बाद पूरा निशाना साधा है। यानी रिटायर्ड SSP मोहम्मद शफी अजान दे रहे थे और उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई, सर पे लगी हैं गोलियां और उसके बाद जो है उनकी हत्या हुई है और उन्हें जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया है और लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह दी गई है। आप हमें ये बताएं यहीं पे आजान दी जाती है किस तरीके से आजान, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। ये बैटरी का सेटअप है पूरा आजान देने के लिए क्योंकि ये ऊपर ही है। आप बताइए कि यहाँ पे ये रोज आते थे, कब आते थे? ये 5 वक्त नमाजी था और ये 5 वक्त नमाज अजान दे रहा था। इस वक्त भी उसने सवेरे अजान दी थी, जो ही उसने अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा पीछे से इसको फायर किया गया था। ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, बहुत ही शरीफुल नफस इंसान थे, किसी का बुरा नहीं करने वाला इंसान थे, सबके साथ अच्छा ही सलूक करने वाला इंसान थे। कितना दुख है आपको? मुझे बेहद दुख है क्योंकि मुझे लगता है इसकी नेकी इसकी बदी बन गई। नेक आदमी थे, नेक आप बताइए कितना दुख है आपको? बहुत बहुत नेक आदमी है, 5 टाइम नमाज पढ़ गए, ये बिल्कुल असल बड़ मोमिन इंसान, बड़ मोमिन इंसान। कह रहे हैं कि बहुत ही नेक शख्स थे लेकिन इनकी जो हत्या कर दी गई, लोगों को काफ़ी इस पे रोष भी है, दुख भी है। लेकिन फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, यही वो स्पॉट है जहाँ पे उनकी हत्या कर दी गई है। सेना के जवानों ने बॉर्डर पर आतंकवादियों को करारा जवाब भी दिया है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में आतंकवादियों ने घुसपैठ का प्रयास किया है जिसे भारत की सेना ने अपने जबरदस्त शौर्य से नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अखनूर के IB सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है।